नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। विश्वास है कि आप सभी ठीक होंगे। तो भाई लोग, जो आज का वीडियो है वो वीडियो इंडस्ट्री से रिलेटेड वीडियो है कि मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि इंडस्ट्री में क्या क्या काम होता है। यहाँ पर CNC का जो मैंने ये CNC का वर्क क्या है इस कंपनी में, और जो भाई लोग आना चाहते हैं CNC के काम से उनको क्या काम करना पड़ेगा, कैसा काम मिलेगा, तो ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में दिखाऊँगा। बट ये वीडियो में स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूँ, इम्पोर्टेंस जो बातें हैं आपको मैं बता दूं कि मैं आपको वीडियो क्यों दिखा रहा हूं, किस लिए दिखा रहा हूं, क्या पर्पज़ है, सारी चीज़ आपको जानना ज़रूरी है। कि मैं ये चीज़ बताना चाहता हूं कि आप इस जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, इनको आप अपने माइंड में रखें कि हमारा जो इंडिया का कंपनियों का काम अलग है, यहाँ पर काम अलग है। तो भाई अलग है ही है, वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग काम जो है वो सारी ऑटोमेशन है, कुछ यहाँ पर मैनुअल है, तो ये सारी चीज़ें डिफरेंस मिलेगा आपको। बाकायदा आप ये जो वीडियो है, एक छोटा सा क्लिप है इंडस्ट्री का मैंने रिकॉर्ड किया है, तो आप इसको ध्यान से देखिए। मैंने इस वीडियो में भी क्लियर किया है कि क्या क्या चीज़ें हैं, तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखिए, उसके बाद हम आपसे बात करते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। पहले आप पूरा वीडियो देख लें, समझ लें। और उन भाई लोगों के लिए जो कम पढ़े लिखे हैं, ठीक है ना, ये जो कम पढ़े लिखे भाई लोग हैं, जैसे ITI है, इंटर है, हाई स्कूल है, बट उनके पास में स्किल है, CNC, VMC, लैथ वगैरह सारी चीज़ का स्किल है, और वो आगे नहीं बढ़ पाते, तो उनके लिए है फैब्रिक। और बता दूँ कंपनी का जो प्रोफाइल है वो टेक्निकल एल्युमिनियम ग्लास करके कंपनी है। कंपनी ये मैन्युफैक्चरिंग करती है कि मतलब वो सेट्स वगैरह बनाती हैं बिल्डिंगों के। तो आप वीडियो को पहले पूरा देखिए, उसके बाद में फिर आपसे हम बात करते मिलते हैं। दोस्तों की जैसा आप देख रहे हैं, ये जो वीडियो है ये फैक्ट्री के अंदर का है, और आप देख सकते हैं ये काम जो हो रहा है ना, ये फैक्ट्री के अंदर हो रहा है। और इस ये क्या काम हो रहा है, ये एल्युमिनियम का जो है फैब्रिकेशन वर्क हो रहा है, उसके बाद इसकी असेंबली की जाएगी। देखिए ये आपको CNC मशीन ये चलते हुए नज़र आएगा, ये हॉरिजॉन्टल टाइप है, इस पर लेंथ वर्क होता है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं, ये प्लांट के अंदर का है, और ये थोड़ा सा ही मैंने वीडियो कैप्चर कर पाया था, क्योंकि कुछ कंपनी के रूल्स वगैरह होते हैं तो उनको भी फॉलो करना है। तो आप ये देख सकते हैं, उधर ये असेंबली पूरा होता है, उसके बाद में यहाँ से डिस्पैच होता है। तो इसमें एल्युमिनियम प्लस ग्लास का काम होता है, ठीक है। तो आप ये देखिए, और इधर ये इस लाइन में है फैब्रिकेशन वर्क होता है, CNC मशीनें लगी हुई हैं, और यहाँ से CNC वर्क हो के उसके बाद में ये असेंबली के लिए जाता है। तो ये रोल है यहाँ पर CNC मशीनों का इन फैक्ट्रियों में। तो आपको एक आइडिया हो जाएगा ना कि यहाँ क्या काम होता है, कैसे होता है, ये इसी चीज़ के लिए मैं ये वीडियो आपको दिखा रहा हूँ, ताकि आइडिया लगता है कि हाँ, ड्राइंग वगैरह जिसको भी आती है ना, उसके लिए भी अच्छा अपॉर्चुनिटी आता है इसमें। और कंपनी का नाम बता दो तो ये टेक्निकल एल्युमिनियम ग्लास करके कंपनी है, मैं मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, इसके आप वेबसाइट पर भी जाके देख सकते हैं। अगर इंटरव्यू जाए तो आप इसको ज़रूर, अगर इंडिया में इंटरव्यू जाए तो आप इसको ज़रूर आप उसको दें इंटरव्यू, जिसके पास भी स्किल है। तो आगे वीडियो आप देखिए। तो जैसा कि आपने अभी वीडियो देख लिया है, ये वीडियो देखा है अपना इंडस्ट्री का, इस आपने देखा होगा कि CNC मशीनें बकायदे इसमें आपका फैब्रिकेशन वर्क हो रहा है। फैब्रिकेशन किस चीज़ का वर्क हो रहा है मैं आपको बता दूँ, ये है भाई एल्युमिनियम ग्लास इंडस्ट्री है, ठीक है। ये जो आप फैक्ट्री वगैरह जो बड़े बड़े जो बिल्डिंग बनते हैं उसमें जो बाहर ग्लास लगता है, तो उसमें एल्युमिनियम और ग्लास दोनों फिक्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही लगता है उसमें। तो वही चीज़ इंडस्ट्री क्या है बनाती है, बिल्डिंग को सप्लाई करती है, जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर हैं बिल्डिंग के उनको सप्लाई करती है, वो इनको ऑर्डर देते हैं, ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, बनाते हैं। अच्छी क्वालिटी की अच्छी कंपनी है यार, ठीक है। तो इसमें क्या वर्क होता है, इसमें एल्युमिनियम की जो शीट्स वगैरह आती हैं उनको कटिंग करके उसमें ग्लास को फिक्स किया जाता है। जिन्होंने भी भाई लोगों ने एल्युमिनियम ग्लास का जो काम किया होगा ना, उनको मालूम होगा। तो ये कंपनी का भी आपको मैं बता दूं कि ये टेक्निकल एल्युमिनियम ग्लास करके कंपनी है, और इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं जो आपको गाइड करेगा क्या मतलब यहाँ पर क्या हमें काम करना है, जिसमें आपका देखो फैब्रिकेशन वर्क में आपका एल्युमिनियम की शीट से ड्राइंग के अकॉर्डिंग उसको कटिंग वटिंग होता है, इसमें फिनिशिंग दी जाती है, उसके बाद में फिर इसको असेंबली एरिया में भेजा जाता है, बेंडिंग है, सारी चीज़ें हैं। तो और ये आपने जो वीडियो को दिखाने का ये मेरा मकसद है ना, कि आप लोगों को गाइडेंस मिले, ताकि पता चले कि हाँ मुझे, मेरा काम ये है, मुझे इस काम में जाना है, ठीक है।
जो नए लोग हैं उनको भी भाई पता चलेगा कि हाँ इसमें इस कंपनी में ये काम होता है, तो अगर मैं इससे रिलेटेड अगर जाऊँगा, इस फील्ड से रिलेटेड जाऊँगा तो मुझे अच्छा काम मिल सकता है। जो है ना ये कम पढ़े लिखे लोग जो है ना, जैसे ITI वगैरह किया है, जैसे कम पढ़े लोग जो टेक्निकल हैं उनके लिए वीडियो है। बकायदे अगर जो लाख दो लाख रुपये कमा रहे उसकी कोई बात नहीं है भाई, जो 40-50 हज़ार रुपये कमाना चाहता है, 60 हज़ार रुपये कमाना चाहता है, 35 हज़ार, तो उनके लिए वीडियो है। तो आपको अगर वीडियो समझ में आ गया होगा तो प्लीज़, अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाकी ऐसी इंडस्ट्रियों से मैं आपको दिखाता रहूँगा जो भी है यहाँ का, कैसे इंडस्ट्री है, क्या क्या टेक्नोलॉजी यहाँ पर यूज़ करते हैं, कैसे इनको मैन पावर चाहिए। तो ये चीज़ आपके लिए भाई, ये चीज़ मुझे किसी ने नहीं बताया, मैंने खुद सीखा है, ठीक है। जो प्रॉब्लम फेस किया मैं उस चीज़ को आपके सामने रख रहा हूँ ताकि आपको भी प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े और आपको ईजी से, मतलब ईजली, मेहनत तो करना ही पड़ेगा, आपको जॉब मिल जाए, ठीक है। तो बाकी आपको मिलते रहेंगे नए नए, हम वीडियो में आपको बताते रहेंगे क्या है क्या नहीं है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, एंड नए लोग हैं तो सब्सक्राइब कर लें। और मैं एक ग्रुप क्रिएट करने जा रहा हूँ, उसमें आपको हर क्वेश्चन से रिलेटेड। और हाँ, एक भाई ने मुझे कमेंट किया था कि सर मुझे CNC के जो भी बेसिक क्वेश्चन आंसर हैं थोड़ा मुझे आप बता दीजिए वीडियो, तो बिल्कुल भाई आपको मिल जाएगा। और एक मेरा वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे भी जाके आप CNC वगैरह हर एक टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ सकते हैं, तो ये चीज़ मैं आपको बता दूँ। तो बाकी उस वीडियो में मैं आपको क्लियर करूँगा कि किस चीज़ के बारे में बता रहा हूँ मैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।